feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world gone? Please slip my mind. Weather is extremely hostile. Please Lord, give me a sign. A sign. कैमरा गिर गया, लेंस टूटा। बोबो स्टाइल मैंने खुद ने बनाया टेंट से। वैसे आज का मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है 48 to 49 डिग्रीज एज पर गूगल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, अभी है टेम्परेचर 35 डिग्रीज। इस बैग का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया है पानी की वजह से, क्योंकि हम पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। मैं घर से 4 लीटर पानी लेके आया हूँ। देखो ये वही पेड़, और ये जो इसमें से स्टिक निकलती है ये बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी होती है। किसी ने देखा हो तो इस पर कॉमेंट करके बताना ही क्या है, अगर आपको पता हो तो। मुझे तो पता ही है, पर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। रास्ता पथरीला है और यहाँ पर घास देख के ऐसा लग रहा है कि जानवर आकर यहाँ पर बैठते हैं। देखो बिल्कुल जंगल के इस इलाके से सूरज ऊपर उग रहा है और सामने की तरफ धूप आ रही है। तो या तो मैं सोच रहा हूँ कि टार्प ऊपर लगाऊं या फिर यहीं कहीं, जिससे धूप ऊपर आते आते थोड़ा टाइम लगे और हम धूप से बच सके। सामने वाली पहाड़ी पे तो आ चुकी है धूप। तो ये पता नहीं किस जानवर की लैंडी है। यहाँ भी है, यहाँ भी कर रखी है। उस डॉग की हड्डी अभी भी यहीं पे है। इसका मतलब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ये मरा कैसे होगा? किसी ने शिकार किया होगा या बुढ़ापे से? आई थिंक हमें टेंट यहीं प्लांट कर लेना चाहिए। गर्मी काफ़ी हो रही है, धूप भी पड़ने लग गई, सर भी दुखने लग गया यार। ये एक बॉक्स है टिन का, इसमें सारे पैराकॉर्ड्स और कुछ ऊन की रस्सियाँ और कुछ नॉर्मल रस्सियाँ और एक मल्टी टूल रखा हुआ है। इससे मैं अपना टेंट बांध दूँगा। ये टार्प टेंट है, वैसा वाला नहीं है जो आप 2.5 किलो का टेंट लेके जाते हो ना, जिसमें रॉड्स वगैरह होती है। इसका वेट 350 ग्राम है बस। ये मेरा कुकिंग बकेट है, होबो स्टाइल। ये मैंने खुद ने बनाया टेंट से। और इसमें है राइस, गार्लिक और सब्जियां। ये एक
पैराकॉर्ड से बांध रखा है मैंने इसको। ये इसके कुछ हुक्स, छह हुक्स हैं और इसका साइज़ है 3x3, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट। इसमें मेरा आर्मी स्टोव है, मेरा बुशक्राफ्ट नाइफ है छोटा वाला, मसाले हैं और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। ये है मेरा फायर किट, एक छोटा सा टिन का डिब्बा है और इस पर एक टायर ट्यूब बांध रखी है ताकि अगर आग लगाने में दिक्कत हो तो ये देर तक जलता है, आसानी से जलता है। ये है मेरा आर्मी स्टोव, अभी इसका कवर नहीं बनाया, मेरा बुशक्राफ्ट नाइफ, ये बटर, ऑयल, बाकी सब मसाले। इस पेड़ और इस पेड़ की हेल्प से मैं अपना टार्प बांध लूँगा। ये है 30 फीट लॉन्ग पैराकॉर्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैमरा गिर गया, लेंस टूटा है, नहीं एनडी फिल्टर टूट गया इसका। हमेशा इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना होता है। फिर परफेक्ट तो नहीं है पर काफ़ी काफ़ी है आज के लिए। इसकी खास बात दिखाता हूँ, कैमोफ्लाज सा हो रहा है, वो केवल ट्राइपॉड दिख रहा है और वहाँ ऊपर से भी देखेंगे तो केवल एक ब्राउन लेयर दिखेगी। अभी मैंने पीछे जब इसके नीडल लगा रहा था तब एक बिच्छू देखा था, तो जल्द से जल्द हमें लगानी पड़ेगी आग ताकि जानवर करीब ना आए। या तो हम फायर पिट बनाएंगे स्टोन वाला, या फिर हम गड्ढा करेंगे ताकि कोई आग को दूर से आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसमें एक पैसेज बना हुआ शिवलिंग की तरह, और वो क्यों? ऑलराइट, ऐसा इसलिए है कि यहाँ तो हम
फायर करेंगे और उधर कोल डालेंगे, कोल खिसका लेंगे इसमें से और वो कुक करने के काम में आएगा। टेंडर सब्जियां काट लेते हैं। प्याज काटना तो भूल ही गया था। सो कुक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा ये तो कैंटीन बॉटल है और इसके अंदर कैंटीन मग। इसमें हम गार्लिक भी डाल देंगे बिना कटा और बिना छिलका उतरा। बटर सॉल्ट बढ़िया सा मस्टर्ड ऑयल, इसके बिना भाई हम लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आता। सरसों का तेल, अब हम इसको यूज करेंगे राइस बॉईल करने के लिए। आज हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे लाइटर का, क्योंकि अभी इतना पेशेंस बचा नहीं है। और अपने पास में एम्पल ऑफ अमाउंट का जलावन है और बारिश नहीं है, सो वी विल यूज इट एज अ टिंडर। मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको उठाने के लिए, क्योंकि गर्म रहेगा ना, उसके लिए इसको भी। चलो इस पे हमने राइस रख दिया है और आग को सुलगाते हैं और थोड़ा ज़्यादा। इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा बटर और थोड़ा नमक। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। खुशबू आ रही है थोड़ी थोड़ी बढ़िया वाली। फ्यूल की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस यही है जंगली जानवर और गर्मी। ये देखो ये टूट गई ना, बल रहा है या नहीं। वाओ, फ्लेम बर्न्स एम्बर कुक, पकाता कोयला ये। राइस हो चुका पूरी तरीके से तैयार।
लेट्स सी क्या हाल है हमारी स्टू के। इसकी खुशबू काफी रिच आ रही है। वाह, कोई क्या बनाएगा यार घर पे खाना ऐसा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मैं एक और हैरी बॉटल कैरी करके लाया था मिल्टन की, और इसमें बहुत ठंडा पानी है। मैं बनाऊंगा कोल्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी और वहाँ अपनी सब्जी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बन रही है। बहुत ठंडा है पानी अभी तक। यहाँ आए हुए मुझे 4-5 घंटे हुए, और उससे 1 घंटे पहले मैंने वो पानी बॉटल में डाला था। कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंसान की आवाज़ नहीं है, नो नथिंग। हवा चल रही है, बस ये टार्प के हिलने की आवाज़ आ रही है और ये कुक होने की आवाज़ आ रही है। बीच बीच में चिड़िया आ रही है, वार्निंग कॉल दे रही है, खाना उठा के ले जाएगी। यहाँ से गर्म है, ये पक चुका है। चावल कितने खिले हुए बने ना कोयले पे, ये देखो अभी भी गर्म है बट ठीक है। 15 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। ये चम्मच मैंने नेपाल में बनाई थी एमरजेंसी में, लांगथांग वैली ट्रैक के टाइम, इस चाकू से। गजब, इसमें अगर आप देखोगे ना जो इसका सूप है, स्टू का जो सूप है, इसका जो टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काफ़ी टेस्टी होता है, ट्राई करके देखना।
गार्लिक का भी काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। सीधे कर लेता हूँ, दिस टाइम अब इनको साफ कर लेते हैं। उसके लिए मैं टांग रहा हूँ इसको इधर। इसका वेट भी हल्का हो गया, बिल्कुल पानी खत्म हो गया और ये क्लीन है दोनों। मेंटल कर लेते हैं। चलो इसे पैक कर लेते हैं सब कुछ। ये सब चीज़ें पीछे टांगने का एक बहुत बड़ा पर्पस है। जब अपन चलते हैं तो आवाज़ होती है और उससे लेपर्ड नज़दीक नहीं आता है। Let's go. Weather is extremely hostile. काफी खतरनाक गर्मी हो रखी है। सर दुख रहा है, हाथ पांव में दर्द भी हो रहा है। गिरती है भाई, इतनी बड़ी। गाय की हो सकती है। ओह बाप रे, काफी बढ़िया है।